कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। कोई विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कांग्रेस पनडुब्बी की तरह है, वह तैरते हुए जहाज को गिरा देती है। हम सत्ता में नहीं हैं तो हम विधायक को क्या दे सकते हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। एक ये हाँ बात कहनी थी कि मैंने कहा था कि ये जो दल बदल के मंत्री गए हैं तो भाजपा हमेशा ये आरोप कांग्रेस पे लगा रही, आज भी लगा रही है कि भ्रष्टाचार था, भ्रष्ट सरकार थी, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। तो ये मंत्री भी हमारी सरकार में मंत्री थे तो ये भी भ्रष्ट थे, तो भ्रष्ट मंत्रियों को आपने कैसे ले लिया। और फिर मैंने कहा था मेरे पास प्रमाण है, तो नरोत्तम जी ने ये कहा था कि प्रमाण है तो हमें दीजिए। मेरा उनसे निवेदन यही है, विनम्र निवेदन है कि आप इन्हीं मंत्रियों के खिलाफ, सिंधिया जी के खिलाफ 2-3 महीने पहले गंभीर गंभीर आरोप आपने लोकसभा चुनाव में लगाए, और आप भी ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं, ये सारे विधायक और सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग के, तो उन आरोपों का तथ्य, उन आरोपों की के प्रमाण तो आपके पास है ही, तभी आप आरोप लगा रहे थे, आधारहीन आरोप तो आप नहीं लगा रहे थे। तो जो तथ्य आपके पास हैं, जो प्रमाण आपके पास हैं इनके खिलाफ, आप गृह मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, आप जांच शुरू कर दीजिए, और मुझे जब विश्वास होगा कि आपने जांच बिठा दी है और जांच सही दिशा में जा रही है तो मैं जो बचे खुचे प्रमाण है आपको दूंगा, करिए जांच शुरू। प्रमाण है मैं आपको आज दे दूं, आप लेकर कुछ समझौता कर लो, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। पहले ऐसा होता था लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। आप प्रमाण आपके पास हैं, आप मंत्री हैं, आपके पास जांच एजेंसियां खुद हैं, गृह मंत्री के पास सारी जांच एजेंसियां होती हैं, आप जांच शुरू करवाइए इन मंत्रियों के खिलाफ। और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसी बातें निकलेंगी भ्रष्टाचार की, और वो चुनाव में जनता के सामने हम रखें कि भैया इनको चुनना है, ये कांग्रेस में थे तो इन्होंने ये किया था, अब भाजपा में मंत्री बन गए तो और क्या करेंगे, जनता तय कर लेगी। अब तुलसी सिलावट जी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।